आशा करता हूँ आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे और रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। देख सकते हैं यहाँ पे इकाई पाठ योजना संख्या 4 है, आप इसको पाठ योजना संख्या भी लिख सकते हैं। अगर आपको यूनिट लेसन प्लान कहा जाए लिखने के लिए तो इकाई पाठ योजना संख्या लिखिए, अगर आपको लेसन प्लान कहा जाए तो वहां पे पाठ योजना संख्या लिखिए। उसके बाद आपको सबसे पहले विद्यालय का नाम लिखना होता है, जैसा कि मैं अपने सभी वीडियोज में बताता हूँ। सबसे पहले विद्यालय का नाम लिखिए, आप अपने विद्यालय का नाम यहाँ पे लिखिएगा या फिर जहां पे लेसन प्लान पढ़ाने के लिए गए हैं जिस विद्यालय में उसका नाम यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद कक्षा लिखना है, किस क्लास के लिए आप लेसन प्लान बना रहे हैं, तो हमारी आज की कक्षा है 7, कक्षा 7 के लिए ये लेसन प्लान बन रहा है। वर्ग है अ, विषय है गणित, उप विषय है रेखा गणित, कालांश है चतुर्थ। कालांश के बारे में मैंने बता रखा है कि गणित विषय के लिए कालांश प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ में से एक ही कालांश यहाँ पे लिखा जाता है। अवधि है 30 से 35 मिनट की। दिनांक आपको उस दिन का डेट डालना है यहाँ पे जिस दिन आप लेसन प्लान पढ़ाने के लिए गए हैं। और देख सकते हैं हमारा आज का प्रकरण है त्रिभुज एवं उसके प्रकार, काफी इम्पोर्टेंट ये लेसन प्लान कहा जाता है त्रिभुज, काफी आसान भी पड़ता है लोगों को बताने में, एक्सप्लेन करने में। और काफी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ भी रहे थे कि मैं त्रिभुज से रिलेटेड कुछ लेसन प्लान यहाँ पे अपलोड करूं, तो उसके उनके लिए मैं यहाँ पे जल्दी से जल्दी त्रिभुज से रिलेटेड लेसन प्लान अपलोड कर रहा हूँ। इससे पहले मैं त्रिभुज के लंब केंद्र एवं शीर्ष बिंदु के बारे में भी यहाँ पे एक लेसन प्लान अपलोड कर चुका हूँ, तो उसके बारे में अगर आप लोगों को देखना है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको सामान्य उद्देश्य लिखना होगा, सामान्य उद्देश्य यहाँ पे देख सकते हैं 6 सामान्य उद्देश्य लिखा है। सामान्य उद्देश्य आप 4 से 5 भी लिख सकते हैं मिनिमम, और मैक्सिमम 8 से 10 भी लिख सकते हैं। सामान्य उद्देश्य का मतलब होता है कि आप गणित विषय, जैसे हमारा आज का गणित विषय है या फिर रेखा गणित है, तो उसको पढ़ाने से बच्चों में क्या क्या विकास होगा इसके बारे में सामान्य उद्देश्य लिखना होता है। यहाँ पे देख सकते हैं पहला है छात्रों को गणित विषय को व्यावहारिक जीवन में उपयोगी करने की क्षमता का विकास करना। दूसरा है छात्रों में तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना। तीसरा है छात्रों में बौद्धिक तथा मानसिक क्षमता का विकास करना। चौथा है छात्रों में अनुशासनात्मक गुणों का विकास करना। पांचवा है छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करना। और छठवां है छात्रों में संस्कृत के प्रति संरक्षण देना। ये था हमारा 6 सामान्य उद्देश्य। अगर आप लोगों को लगे कि मैं काफी तेजी से बता रहा हूं तो वीडियो को रोक के भी आप देख सकते हैं इसको आराम से। सामान्य उद्देश्य के बाद बढ़ते हैं अपने विशिष्ट उद्देश्य की तरफ। विशिष्ट उद्देश्य, जैसा कि मैं बता चुका हूं, विशिष्ट उद्देश्य आपके प्रकरण को पढ़ाने पे या फिर जो लेसन प्लान आप पढ़ा रहे हैं, जैसा कि हमारा आज का लेसन प्लान है त्रिभुज के ऊपर, तो त्रिभुज को पढ़ाने से बच्चों में क्या विकास होगा उसके बारे में यहाँ पे लिखना होता है। तो देख लीजिए, इसमें भी आप मिनिमम 3 से 4 लिख सकते हैं पॉइंट, और मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, पहला पॉइंट है छात्रों को बहुभुज के विषय में जानकारी देना। दूसरा है छात्रों को त्रिभुज विषय की जानकारी देना। तीसरा है छात्रों को त्रिभुज के विभिन्न प्रकारों की जानकारी देना। चौथा है छात्रों को वातावरण में उपस्थित विभिन्न प्रकार की त्रिभुजी आकृतियों के उदाहरण बताना। पांचवा है छात्रों को त्रिभुज के विभिन्न गुणों से परिचित कराना। और छठा है छात्रों को त्रिभुज के मधिकाओं की जानकारी देना। विशिष्ट उद्देश्य के बाद में हम चलते हैं सहायक सामग्री की तरफ। इसके पहले मैं आप लोगों से बस इतना रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप अभी तक रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे लाल बटन पे तुरंत 1 सेकंड लगेगा, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके तुरंत बाद बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो यहाँ पे अपलोड करता हूँ इस चैनल पे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। देखते हैं, देर न करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला है यहाँ पे सहायक सामग्री है, पहला चाक, डस्टर, लपेट, श्यामपट आदि। सहायक सामग्री को आप शिक्षण सहायक सामग्री भी लिख सकते हैं। इसके बाद प्रस्तावना प्रश्न आता है। प्रस्तावना प्रश्न मैं बता चुका हूं, किसी भी लेसन प्लान या फिर यूनिट लेसन प्लान का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है यहाँ पे। इसमें आपको बस 3 कॉलम बनाने होते हैं, क्रम संख्या, छात्र अध्यापक कथन और छात्र छात्रा कथन। इसमें आपको ऐसे प्रश्न पूछने होते हैं कि जैसे आपका प्रकरण आज का त्रिभुज है, त्रिभुज एवं उसके प्रकार, तो बच्चे लास्ट में आपके जो प्रकरण है उसको बोल दें। पहला प्रश्न देखिए यहाँ पे, 3 भुजाओं से घिरी सरल बंद आकृति को क्या कहते हैं, तो बच्चे बता देंगे त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो बच्चे बताएंगे 2 प्रकार के होते हैं। दोनों प्रकारों के नाम बताइए, तो बच्चे बता देंगे कोण के आधार पर, और दूसरा है भुजाओं के आधार पर। चौथा प्रश्न यहाँ पे बनता है हमारा, कोण के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार में बांटा गया है, तो इसका उत्तर अभी नहीं दे पाएंगे बच्चे, कक्षा 7 के बच्चे हैं, तो ये हो जाएगा स्पष्ट उत्तर, या फिर इसको आप समस्यात्मक प्रश्न भी लिख सकते हैं। इसके बाद आपको देख लीजिए प्रस्तावना प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। प्रस्तावना प्रश्न के बाद हम चलते हैं उद्देश्य कथन पे। उद्देश्य कथन में आपको देखिए लिखना है, छात्रों आज हम लोग त्रिभुज एवं उसके प्रकारों का अध्ययन करेंगे। उद्देश्य कथन के बाद हम बढ़ते हैं अपने प्रस्तुतिकरण की तरफ। देख सकते हैं प्रस्तुतिकरण है ये,
इसमें आपको शिक्षण बिंदु लिखना है पहला पॉइंट, इसके पहले आप क्रम संख्या भी लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो। उसके बाद छात्राध्यापक कथन लिखना है, छात्र छात्रा कथन लिखना है, प्रयुक्त विधियां लिखना है, उसके बाद श्यामपट कार्य लिखना है। देख लीजिए शिक्षण बिंदु में है भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज। छात्र छात्रा कथन में छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं ये लिखना है, और ये व्याख्या दे रहे थे ये व्याख्यान विधि हो जाएगी। इसी तरीके से आपको फिर समबाहु त्रिभुज के बारे में बताना है, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। उसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में बताना है, ऐसी त्रिभुज जिनकी दो भुजाएं बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। विषमबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भुजा बराबर न हो विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। उसके बाद कोणों के आधार पर त्रिभुज, कोणों के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, न्यून कोण, सम कोण और अधिक कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसको जिसके सभी कोण 90 डिग्री से कम हो न्यून कोण त्रिभुज कहलाते हैं। समकोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। और लास्ट में है अधिक कोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो या अधिक हो उसको अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। छात्र छात्रा कथन में आप देख सकते हैं सभी पॉइंट्स में आपको लिखना है, छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं या फिर लिख सकते हैं इसको छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद आप सारी चीजें व्याख्या दे रहे थे त्रिभुज के बारे में, उसके प्रकारों के बारे में, तो सभी में आपको व्याख्यान विधि लिखना है, देख सकते हैं आप। उसके बाद लास्ट में आपको श्यामपट कार्य में लिखना है अपना प्रकरण, सबसे पहले त्रिभुज एवं उसके प्रकार, भुजाओं के आधार पर कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं उसका यहाँ पे फिगर बना के दिखाना है, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। कोण के आधार पर यहाँ पे देख लीजिए, पहला है न्यून कोण, दूसरा है सम कोण, तीसरा है अधिक कोण। तो ये हो गया आपका श्यामपट कार्य। श्यामपट कार्य को बहुत ध्यान से कीजिएगा, इसके लिए आप कहीं बाजार से मार्केट से बुक की दुकानों से आप ब्लैक पेपर ले लीजिएगा, चार्ट पेपर आता है ब्लैक कलर का, और उसके लिए एक लिखने के लिए एक व्हाइट कलर का स्पार्कल पेन आता है, उसको लेके आप आसानी से यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद चलते हैं हम अपने पुनरावृत्ति के प्रश्न पे। पुनरावृत्ति के प्रश्न मैं बता दूं आप लोगों के लिए जानकारी के लिए कि पुनरावृत्ति का जो प्रश्न होता है वो जो छात्राध्यापक छात्राध्यापिका या फिर शिक्षक है पढ़ा रहा है तो बच्चे इधर उधर उनका ध्यान भटकने लगता है, तो उनको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, अपनी पढ़ाई की ओर आकर्षित करने के लिए उनसे छोटे छोटे दो तीन प्रश्न पूछ लीजिए बीच बीच में, जिससे उनका ध्यान उधर इधर उधर न भटके और आपकी तरफ आकर्षित रहे। वो इसमें भी आप दो तीन, जैसा मतलब मैं बता चुका हूँ, दो तीन प्रश्न पूछ सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए पहला प्रश्न है त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है, दूसरा प्रश्न है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है। पुनरावृत्ति के प्रश्न के बाद आपको मूल्यांकन का प्रश्न पूछना है। मूल्यांकन का प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, मूल्यांकन का प्रश्न टीचर अपने लिए करता है, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका अपने लिए करते हैं कि जो आपने क्लास में पढ़ाया है उसका मूल्यांकन करेंगे कि अगर अच्छे से पढ़ाया है आपने तो बच्चों को समझ में आएगा। तो यहाँ पे भी आप दो से तीन प्रश्न पूछ सकते हैं। पहला प्रश्न देख लीजिए यहाँ पे है न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, और दूसरा प्रश्न है अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं। मूल्यांकन के प्रश्न के बाद आपको गृह कार्य देना है, गृह कार्य में आप दो से तीन प्रश्न दे सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए पहला प्रश्न है समकोण त्रिभुज का एक कोण कितना होता है, कितने डिग्री का होता है, और दूसरा है त्रिभुज को कितने आधार पर बांटा गया है। ये हो गया गृह कार्य। उसके बाद टीचर को आप देंगे फाइल चेक करने के लिए, तो वो अपना जो कमेंट होगा वो यहाँ पे लिखेगा, वो आपके कमेंट अच्छे भी लिख सकता है अगर आपने अच्छे तरीके से लेसन प्लान पढ़ाया है तो। अगर आपने कुछ गलतियां की हैं तो यहाँ पे कमेंट में वो कुछ गलतियों के बारे में बताएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेसन प्लान, यूनिट लेसन प्लान, इसको आप लेसन प्लान भी बना सकते हैं इसके द्वारा। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे सहायक सामग्री के बाद आपको पूर्व ज्ञान लिख देना है। पूर्व ज्ञान में जैसे अगर लिखना है यहाँ पे तो पूर्व ज्ञान हेडिंग डालिएगा, उसके बाद लिख दीजिएगा कि बच्चों को भुजाओं की सामान्य जानकारी है। इसके बारे में यहाँ लिखते ही वो यूनिट लेसन प्लान से लेसन प्लान में बदल जाएगा और आपको कुछ नहीं करना है। तो दोस्तों अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं और अच्छे तरीके से अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं इससे। और अगर मुझसे कोई गलती हो रही हो इस वीडियो को बनाने में, इन वीडियोज को, तो मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे सजेशन दिया करिए कि मैं इस वीडियो में क्या गलती कर रहा हूं और क्या सुधार कर सकता हूं। और ऐसी ढेर सारी वीडियोज के लिए दोस्तों रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए,
जिससे मैं कोई भी नेक्स्ट वीडियो जो कि आपके लिए लाभदायक होगा वो यहाँ पे अपलोड करता हूँ, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों के साथ, अपने जो जिनको जरूरत है इस तरह की वीडियोज की, तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।